हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक्शन का उपयोग करके कैसे हम स्लाइड को लिंक कर सकते हैं, हाइपर लिंक डाल सकते हैं और पीपीटी को मोर इंटरेक्टिव कैसे बना सकते हैं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ एक एक्शन आता है, तो अभी ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो हम देखते हैं इसको कैसे लाना है। तो जैसे ये एक हमने एक ऑप्शन बनाया लग्जरी एलिमेंट, हम चाहते हैं कि यहाँ पर क्लिक करके हम उस स्लाइड पे चले जाएं जहाँ पे उसका फोटो हो। तो हमने यहाँ पे एक ऐसा बनाया, फिर लिंक करके वहाँ से लिंक किया। चलिए पहले मैं इसको मैंने पहले करा है, फिर मैं उसे दिखाता हूँ, फिर मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। स्लाइड शो करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो फिर वहाँ जहाँ से चले थे वहीं पे पहुँच जाएंगे। तो हम कैसे कर सकते हैं पीपीटी में, यही हम सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ आइकन बना लेते हैं, या आइकन नहीं बना के हम कर सकते हैं तो आइकन बना के ईजी रहेगा। तो लेट्स से मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, और लेट से मैं एक एरो ले लेता हूँ जैसा मैंने पहले लिया है, एरो ले लेता हूँ। और इस एरो को वहाँ से लिंक करते हैं। तो लिंक करने के लिए इस पे जाएंगे, इंसर्ट एक्शन और हाइपर लिंक टू नेक्स्ट स्लाइड, या जिस स्लाइड से करना है वहां से जब कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे जाएंगे स्लाइड, और स्लाइड लग्जरी L1 पे चलना है, यहाँ पे चल के ओके कर देंगे, फिर ये यहाँ से ये लिंक हो गया। अब उस स्लाइड पे चलते हैं, अब ये इस स्लाइड पे आएगा, लेकिन हमें फिर इस स्लाइड से वहाँ भी जाना चाहिए। एक टेक्स्ट ब्लॉक लेते हैं, यहाँ पे छोटा सा बैक लिख लेते हैं बैक, और इसको इंसर्ट एक्शन हाइपरलिंक, और ये प्रीवियस स्लाइड से आया रहेगा, लास्ट व्यू स्लाइड एंड ओके। अब करके देखते हैं कि ये काम करता है। तो यहाँ से क्लिक किया तो लग्जरी L1 पे आया, और फिर यहाँ से बैक किया, फिर जहाँ का तहाँ पहुँच गया। इस तरह हम एक्शन का उपयोग करके अपने स्लाइड्स को इंटरेक्टिव बना सकते हैं और इजीली किसी चीज़ को शो कर सकते हैं किसी प्रेजेंटेशन में। अब हम इसमें दूसरी चीज़ देखते हैं, लेट्स से हमें किसी साउंड की ज़रूरत है, तो हमने किसी म्यूजिक की ज़रूरत है या कोई इफेक्ट हम देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कोई एक यहाँ पे बनाता हूँ इफेक्ट, और इसको हम किसी चीज़ से लिंक कर सकते हैं। इंसर्ट गए, यहाँ पे इसको क्लिक किया और एक्शन में गए, ये इसको लिंक कर सकते हैं हम इसी स्लाइड से, या हम इसको साउंड करने के लिए रख सकते हैं। तो मान लीजिए किसी चीज़ की साउंड की ज़रूरत है हमें स्लाइड में, तो जैसे कॉइन की ज़रूरत है, आई थिंक फाइनेंस वीडियो बना रहे हैं तो कॉइन की ज़रूरत हो सकती है, या कोई सिक्योरिटी से बना रहे हैं तो एक्सप्लोजन की हो सकती है, लाइक दैट वी कैन यूज। सो लेट्स से एक्सप्लोजन का यूज़ किया, तो इफेक्ट में जाके फिर यहाँ पे सो
ऐसा साउंड इफेक्ट हम ला सकते हैं। तो इस तरह से हम ये लिंकिंग यूज करके एंड हम बहुत सारे इफेक्ट को ला सकते हैं। अब इसमें कोई प्रोग्राम अगर रन करना हो अगर तो वो भी कर सकते हैं, और हाइपरलिंक भी कर सकते हैं इसमें, नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड या किसी भी स्लाइड से, और यूआरएल भी डाल सकते हैं अगर कोई लिंक डालना है ताकि उस लिंक से कहीं जा सकें तो वो भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये एक्शन आइटम काफ़ी यूजफुल आइटम है पीपीटी में। इसको यूज करके हम अपने पीपीटी को काफ़ी इंटरेक्टिव और काफ़ी इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।